आज हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ग्लोबल इंग्लिश चैप्टर 7 पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 7 ग्लोबल इंग्लिश। ग्लोबल का अर्थ पहले समझ लेते हैं। ग्लोबल का अर्थ जो होता है व्यापक, हर जगह, देश के हर कोने कोने में, इवन नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंग्लिश जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड बोली जाती है, यह सिर्फ जो है वो ब्रिटेन या अमेरिका या कनाडा के द्वारा ही नहीं बोली जाती, हर कंट्री में बोली जाती है, चाहे वहाँ की लैंग्वेज जो है इंग्लिश हो या ना हो, मदर टंग हो या ना हो, डैट डजंट मैटर। ओके, तो यह ग्लोबल हुआ, व्यापक रूप से पूरे विश्व के कोने कोने में। हालांकि इफ़ वी टॉक अबाउट नंबर, देन मैंड्रीन चाइनीज जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है, लेकिन मैंड्रीन चाइनीज जो है वो सिर्फ सिर्फ मोस्टली जो है, मोस्टली हम कह सकते हैं, वो चाइना के अंदर बोली जाती है, जबकि इंग्लिश जो है वर्ल्ड के हर कोने कोने में बोली जाती है। ओके, इंग्लिश डेवलप फ्रॉम द स्पीच ऑफ द एंग्लो सैक्सन इन टू अ सिंगल स्टैंडर्ड क्वींस इंग्लिश। इंग्लिश जो इंग्लिश की जो डेवलपमेंट हुई इंग्लिश लैंग्वेज की, वह हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कैसे एंग्लो सैक्सन के स्पीच यानी डायलैक्ट, डायलैक्ट स्थानीय बोली को कहते हैं। एंग्लो सैक्सन जो है तीन जाति थे, जिसमें एंगल्स, जूट्स और सैक्सन्स थे। ओके, और ये तीन जो जाति थी वो चार डायलैक्ट या चार स्थानीय बोली का इस्तेमाल करती थी, और वह बोली थी कैंटिश, नॉर्थम्बरियन, मर्सियन और वेस्ट सैक्सन। ओके, और ये जो चार बोली थी, ये चार बोली से जब मिडिल इंग्लिश एज, अगर हम अध्ययन हमने अध्ययन वैसे ऑलरेडी किया है, वहाँ पे जो है यह पांच में चेंज हो जाती हैं, और सिर्फ कैंटिश जो है इसमें वह चेंज नहीं होता है, और वह पांच नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड कैंटिश हो जाती है। और जो इंग्लिश आज इस्तेमाल होती है वह ईस्ट मिडलैंड का ही डेवलप्ड फॉर्म है। ओके, क्वींस इंग्लिश। क्वींस इंग्लिश का अर्थ ये हुआ कि लिखने में या बोलने में जो बिल्कुल करेक्टली हो और एजुकेटेड लोगों के द्वारा जो इस्तेमाल की जाती है, उसे क्वींस इंग्लिश कहते हैं। ओके, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज आरपी और रिसीव प्रोनाउंसिएशन। ब्रिटिश जो इंग्लिश थी, जो पूरे ब्रिटेन वालों के लिए स्टैंडर्ड थी, बिल्कुल सेम सेम थी, उस स्पीच को जो है हम आरपी या रिसीव प्रोनाउंसिएशन के नाम से जानते हैं। और रिसीव प्रोनाउंसिएशन में अगर हम देखें, अगर इसका हम अध्ययन करें, तो जैसे पूरे अल्फाबेट कितने होते हैं, 26, जिसमें 5 जो होते हैं वॉवल्स होते हैं और बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये 5 वॉवल लेटर्स जो होते हैं ये पूरे 20 साउंड्स बनाते हैं, जबकि 21 कॉन्सोनेंट ओनली 24 साउंड्स बनाते हैं। यानी रिसीव प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से पूरे जो साउंड्स इंग्लिश में इस्तेमाल की जाती हैं वह 44 साउंड्स हैं। ओके, तो यह जो है यही स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन नाउ अडेज वी आर ऑल्सो फॉलोइंग अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन और इंडियन प्रोनाउंसिएशन भी जो है वह इस्तेमाल हो रहे हैं। ओके, अलोंग इट्स वे टू बिकमिंग अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड का स्टैंडर्ड लैंग्वेज होने में, ओके, इंग्लिश बोरोड फ्रीली फ्रॉम लैंग्वेजेस। इंग्लिश जो है बहुत से लैंग्वेज से शब्दों को लिया, डैट इट्स स्पीकर केम इन कॉन्टेक्ट विथ थ्रू ट्रेड। जब स्पीकर्स जो हैं, तरह तरह के स्पीकर्स, लैंग्वेज के जो स्पीकर्स कॉन्टेक्ट में आए, या तो ट्रेड के जरिए या आए, या लर्निंग सीखने के जरिए, फैलाने के जरिए आए, या जो भी फॉरेन इन्वेजन्स जो हुई, आक्रमण हुई, चाहे वह आक्रमण ब्रिटेन के ऊपर हुआ हो या ब्रिटेन ने किसी के ऊपर किया हो। ओके, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सबसे पहले जो है एंगल्स लैंड पे जो लोग रहते थे उन्हें केल्टिक, वैसे केल्टिक से पहले भी आइबेरियन जो है वो ट्राइब्स के लोग रहते थे। ओके, तो ये केल्ट्स जो प्रजाति थी, इनकी लैंग्वेज केल्टिक थी और गेलिक थी। ओके, तो केल्ट गेल यहाँ पे पहले जो है वो स्पीच हो गए। फिर जस्ट उसके बाद जब रोमन्स आए, तो रोमन्स 43 AD में आए, तो उनकी लैंग्वेज लैटिन और रोमन भी यहाँ से आ गई।
फिर उसके बाद एंग्लो सैक्सन जूट्स आए जिससे डायलेक्ट्स आए, डायलेक्ट्स के बाद जो मिडिल इंग्लिश में, अगर हम मिडिल इंग्लिश में देखा जाए तो वहाँ पे नॉर्मन, सबसे पहले नॉर्मन्स जो आए 1066 में, तो वहाँ से फ्रेंच लैंग्वेज आई, फिर स्कैंडिनेवियन आए तो वहाँ से स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज आई, तो इस डैनिश लैंग्वेज आई, डच लैंग्वेज आई, तो ऐसे जो है काफ़ी वर्ड्स जो है इंग्लिश के अंदर मिल चुके हैं। ओके, और इंग्लिश जो है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होने से पहले सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वह समाहित हो चुकी थी एट फर्स्ट। और एक चीज़ और बता दिया है, इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह फ्रीक्वेंटली दूसरे लैंग्वेज से वर्ड्स को लेकर और अपने डिक्शनरी में ऐड करता है, जबकि अगर हम देखें या तो हिंदी को देख लिया जाए या हम लोग संस्कृत को देख लें, उर्दू को देख लें, ये इनके अंदर ये टेंडेंसी नहीं है, जिसकी वजह से जो है ये लैंग्वेज जो है एक खास जगह के लिए लिमिटेड हो गई हैं। ओके, द न्यू वर्ड्स केम मेनली फ्रॉम यूरोपियन लैंग्वेजेस। सबसे पहले जो नए नए वर्ड्स आए वह यूरोपियन लैंग्वेज से आए, जिसमें लैटिन से वर्ड है, स्पैनिश से वर्ड है, इटालियन से वर्ड्स आए, फ्रेंच लैंग्वेज से वर्ड्स आए, जिसमें लैटिन से जो वर्ड्स हैं वह अडेप्ट, क्राइसिस, एग्जिस्ट, फैक्ट, स्पैनिश से एप्रिकोट, बनाना, इटालियन से बालकनी, बैलेट, डिजाइन, फ्रेंच से एनाटॉमी, चॉकलेट, डिटेल्स, ये सारे जो हैं। ओके, दिस बोरोइंग हैबिट ऑफ इंग्लिश हैज मेड इट, यह जो प्रवृत्ति थी शब्दों को अपना लेने की इंग्लिश की, ओके, द मोस्ट ग्लोरियसली इम्प्योर लैंग्वेज। ग्लोरियसली का अर्थ होता है भव्यतापूर्ण, और इम्प्योर अशुद्ध को बोलते हैं, और लैंग्वेज भाषा, यह जो है सबसे भव्य अशुद्ध भाषा है। ओके, नेक्स्ट, बाय द 18th सेंचुरी इंग्लैंड हैड बिकम अ वेरी पावरफुल नेशन। 18th सेंचुरी तक इंग्लैंड जो है बहुत बड़ा पावर बन चुका था। ओके, बहुत पावरफुल राष्ट्र बन चुका था, शक्तिशाली। इट हैज सेड डैट द सन नेवर सेट इन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर, यह कहा जाता है कि ब्रिटिश एम्पायर जो है उसका सूरज कभी भी नहीं डूबा, यानी हमेशा जो है वह उरूज पे रहा, उदय पे रहा। बिकॉज मोर देन हाफ द वर्ल्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया थ्रू एशिया एंड अफ्रीका टू पार्ट ऑफ अमेरिका, बोथ नॉर्थ एंड साउथ, वर ऑल अंडर ब्रिटिश रूल। यह जो है ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश रूल के अंदर जो है ऑस्ट्रेलिया, एशिया के बहुत से पार्ट्स, अफ्रीका, अमेरिका के पार्ट्स, ये सारे जो हैं ब्रिटिश शासन के अधीन में रह चुके हैं। एज द ब्रिटिश एम्पायर ग्रू, जैसे जैसे ब्रिटिश एम्पायर जो है बढ़ते गए, सो डिड द लैंग्वेज, और वैसे ही इनके लैंग्वेज का जो है वो डेवलपमेंट होता गया। वो तो जैसे उन्होंने कॉलोनी इस्टेब्लिश की, कॉलोनी इस्टेब्लिश करने के बाद जब वो उसे छोड़ कर चले जाते थे तो उनके कल्चर और लैंग्वेज जो है वहाँ पे रह जाते थे, और आज भी वह बोली जाती हैं और इस्तेमाल की जाती हैं। ओके, उनके इंग्लिश वहाँ पे आज भी हैं। इट एब्जॉर्ब्ड वर्ड्स, यह जो है वर्ड्स को ले लेता था, एब्जॉर्ब कर लेता था, एंड फ्रेजेज, फ्रेज को, फ्रॉम द लैंग्वेजेस, भाषा से, ऑफ ऑल कंट्रीज, सारे कंट्रीज से, डैट वर कोलोनाइज बाई द ब्रिटिश। ब्रिटिश लोग जहाँ भी जाके आक्रमण करते थे और कोलोनाइज करते थे, अपना अधिकार जमाते थे, वहाँ की जो लैंग्वेज थे वहाँ से भी वर्ड और फ्रेज को जो है यह इंग्लिश जो है ले लेता था। ओके, बोरो कर लेता था। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, जैसे अफ्रीकन से ट्रिक वर्ड लिया गया है, ये ड्यूटिन से क्रूज, इज, टर्किश, हिंदी, सुहेली, मले, पर्शियन, अरेबिक, ओके, तमिल, अमेरिकन, इंडियन, ये सारे जो वर्ड्स जो हैं वहाँ के लैंग्वेज से फ्रीक्वेंटली यह ले लेता था इंग्लिश लैंग्वेज। दस वर्ड्स बिगिन पावरिंग इन टू द इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम ऑल डिरेक्शन। इसलिए इंग्लिश के अंदर जितने भी जो वर्ड्स आने शुरू हुए वो हर डिरेक्शन से, हर दिशा से, हर जगह से जो है वह आने शुरू हो गए, गिविंग इट मोर एंड मोर ग्लोबल शेप, और इसको जो है एक आकार दिया जो पूरे वर्ल्ड में जो है वह फैल गया, एक ग्लोबल शेप मिली इसको। देयर वर टू मेन इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश। दो जो है प्रमुख प्रभाव पूरे
वर्ल्ड में फैलने में, इंग्लिश के फैलने में है। पहला, न्यू नेशनल वेराइटीज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की नई वेराइटी जो आई, अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, यह जो है यह अस्तित्व में आई, केम इन टू बींग, अस्तित्व में आई। ओके, और दूसरा, न्यू इंग्लिशेज या न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश जो थी, डेवलपमेंट इन कंट्रीज वेयर इंग्लिश वॉज नॉट अ मदर टंग, ये वैसे कंट्री में डेवलप की जहाँ इंग्लिश जो है मदर टंग नहीं था। एग्जाम्पल देख लें, इंडियन इंग्लिश, नाइजेरियन इंग्लिश, ओके, वैसे ही जो है इंग्लिश के डेवलपमेंट हुए। यानी इंग्लिश, एक तो इंग्लिश बोली जाती थी वहाँ के नेटिव, जो नेटिव स्पीकर्स ही बोलते थे इंग्लिश, यानी उनकी फर्स्ट लैंग्वेज थी, मदर टंग थी। और एक इंग्लिश जो है जहाँ पे मदर टंग नहीं थी लेकिन फिर भी वहाँ इंग्लिश जो है वह बोली जाती है, तो इसलिए जो इंग्लिश की वैरायटी जो है बढ़ती गई, जिससे इंग्लिश के डेवलपमेंट में काफ़ी काफ़ी जो है हेल्प मिली। ओके, न्यू नेशनल वैरायटीज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की जो नई नेशनल वैरायटीज हैं वह यह थी, एज सुन एज इंग्लिश बिगिन टू स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, ज्यों ही इंग्लिश जो है पूरे वर्ल्ड के चारों तरफ जैसे फैलना शुरू हुआ, इट बिगेन टू चेंज, यह चेंज होना शुरू हुआ। द फर्स्ट चेंजेस, सबसे पहला चेंजेस वर सीन, देखे जाते थे इन द डिफरेंट वेज इन विच इंग्लिश बिगेन टू बी यूज इन अमेरिका। अमेरिका में जो इंग्लिश बोली जाती हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से बोली जाने लगी आफ्टर अमेरिका बिकेम फ्री ऑफ ब्रिटिश रूल। जब अमेरिका ब्रिटिश रूल से फ्री हुआ, आज़ाद हुआ, द अमेरिकन वर ईगर टू शो देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एज अ फ्री कंट्री। अमेरिका जो है वह पूरी तरह से उत्सुक था कि वह अपनी आइडेंटिटी बताए, वह क्यों दूसरे के लैंग्वेज को लेकर चले, वह चाहता था कि जो है हमारी एक अलग पहचान हो। ओके, इसलिए उसने इंग्लिश के वैरायटीज को चेंज किया, टू कॉल देयर वैरायटी ऑफ इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश, और उसे अमेरिकन इंग्लिश का नाम दिया। अमेरिकन इंग्लिश जो है कहीं कहीं आप देखेंगे वो ब्रिटिश इंग्लिश से बिल्कुल अलग है। ओके, एक नई वैरायटी की तरह इन्होंने इस्तेमाल किया, इवन प्रोनंसिएशन में भी, और बहुत से वर्ड्स के स्पेलिंग में बहुत से वर्ड्स ही चेंज हैं। ओके, टूडे, आज अमेरिकन इंग्लिश लाइक ब्रिटिश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। अमेरिकन इंग्लिश भी जो है ब्रिटिश इंग्लिश की तरह पूरे वर्ल्ड में जो है पहचानी जाती हैं, दो देयर आर मेनी डिफरेंसेज बिटवीन देम, हालांकि उनके बीच में बहुत से डिफरेंसेज हैं, सम ऑफ दिस डिफरेंसेज आर शोन बिलो, उनमें से जो कुछ डिफरेंसेज हैं वह नीचे हैं। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश। ओके, ग्राउंड फ्लोर, सबसे नीचे का जो फ्लोर होता है, तल होता है। ओके, हम जो है ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से हम ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, लेकिन अमेरिका में उसे फर्स्ट फ्लोर कहा जाता है। ओके, रबिश, कूड़ा करकट को रबिश ब्रिटेन में बोला जाता है, गार्बेज अमेरिका में, पेट्रोल या ब्रिटिश में, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में गैस बोला जाता है। ओके, ट्राउजर, यहाँ पर पैंट बोला जाता है। ओके, और हम जो है कहीं ब्रिटिश को फॉलो करते हैं, कहीं अमेरिकन को, कहीं दोनों में से जो मन करता है हम उसे फॉलो करते हैं, क्योंकि हम रबिश भी कहते हैं, गार्बेज का भी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में हम ग्राउंड फ्लोर यहाँ ब्रिटिश से लेते हैं, पेट्रोल हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, गैस भी इस्तेमाल किया जाता है, ट्राउजर और पैंट्स दोनों इस्तेमाल होते हैं। ग्रामर में भी कुछ चेंजेस हैं, जैसे हैव यू गॉट, गॉट जो है हम गॉट, गेट गॉट गॉट, ये गॉट थर्ड फॉर्म, जबकि गॉटन जो है यह भी थर्ड फॉर्म है, और यह अमेरिकन इंग्लिश में इस्तेमाल किए जाते हैं। रियली गुड, रियल गुड, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। रियल जो है अमेरिकन में, जबकि रियली ब्रिटिश में इस्तेमाल होता है। इट्स क्वार्टर टू सेवन, इट्स क्वार्टर ऑफ सेवन, यहाँ जो 7:15 बाकी हैं, तो ब्रिटिश इंग्लिश में टू का इस्तेमाल होता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में ऑफ का इस्तेमाल होता है। ओके, स्पेलिंग में भी कुछ चेंजेस हैं, जैसे देखें चेक का स्पेलिंग, चेक का स्पेलिंग, डिफेंस, डिफेंस, कलर, कलर, यहाँ पे चेंजेस हैं। ओके, नेक्स्ट, द इमरजेंस ऑफ न्यू इंग्लिश, न्यू इंग्लिश का जो है उद्भव या इमरजेंस, निकलना कैसे हुआ। द सेकेंड इफेक्ट ऑन द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश वॉज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंग्लिश,
जो दूसरा प्रभाव हुआ इंग्लिश के डेवलपमेंट में वह न्यू इंग्लिशेस था, और वह इंडियन इंग्लिश, नाइजीरियन इंग्लिश और भी कंट्रीज के इंग्लिश जहाँ पे मदर टंग जो है वह इंग्लिश नहीं थी। ओके, लाइक अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश की तरह दिस वेराइटी डिफर इन सम रेस्पेक्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश। इसमें भी कुछ चेंजेस हैं स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश से अगर कंपेयर किया जाए तो। हाउ एवर दे आर क्लोजर टू ब्रिटिश इंग्लिश, लेकिन फिर भी यह ब्रिटिश इंग्लिश के ज़्यादा करीब हैं अमेरिकन इंग्लिश की अपेक्षा। इंडियन इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल हैज़ डेवलप्ड अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ वर्ड्स एंड सेटिंग पैटर्न्स। इंडियन इंग्लिश जो है यह भी डेवलप हुआ, यह जो विकसित हुआ इसमें भी वर्ड्स और सेंटेंस पैटर्न्स जो है वह ब्रिटिश इंग्लिश से कुछ डिफर भी करते हैं, डिफर हैं। ओके, सम एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल बिलो, कुछ जो एग्जांपल है वो नीचे दिए गए हैं। इंडियन इंग्लिश में वर्ड्स में जैसे देखें अ मेंबर ऑफ फैमिली, यह ब्रिटिश इंग्लिश है, जबकि हम फैमिली मेंबर, मैच बॉक्स, चौक पीस, अ पीस ऑफ चौक की जगह, मनी बैग, पर्स इस्तेमाल होता है। ओके, की बंच, जबकि अ बंच ऑफ की ये ब्रिटिश इंग्लिश है। उसी तरह यहाँ पे जो है बंद, लेबर स्ट्राइक, हम बंद का इस भी इंग्लिश में इस्तेमाल कर देते हैं, गो डाउन, जबकि वेयर हाउस। ओके, लाख, 100,000। ओके, स्टेयर, एजुटेशन, बैक, वर्ड क्लासेस, डिप्राइव्ड ग्रुप, वंचित, वंचित समूह, हिमालयन, ब्लंडर, ग्रेव मिस्टेक, बहुत ही गंभीर जो है गलती है, ग्रेव मिस्टेक, जबकि हम हिमालयन ब्लंडर, हिमालय की तरह गलती। मिलिट्री होटल, नॉन वेजिटेरियन होटल, पिन ड्रॉप साइलेंस, डेड साइलेंस, बिल्कुल शांत, प्लेटफॉर्म, पेमेंट और साइडवॉक, हम प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट, ग्रामर में भी चेंजेस हैं, जैसे ऑन जो होता है हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है। ओके, लेकिन हम जो है इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी इस्तेमाल करते हैं, आई एम ऑनिंग टू हाउसेज, जबकि आई ऑन टू हाउसेज होता। ओके, तो यहाँ भी चेंजेस हैं, ये नो होता, यहाँ पे नोइंग है, शी नोज द आंसर। ओके, जबकि शी इज नोइंग द आंसर, तो यहाँ पे हमने चेंज किया है। ओके, पे अटेंशन ऑन, यहाँ पे हमने ऑन का इस्तेमाल किया जबकि टू का इस्तेमाल होता है। हु यू हैव कम टू सी, यहाँ पे हु हैव्स यू, यहाँ हु के बाद हैव आता। ओके, जबकि हम क्या करते हैं, यानी जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं WH इंट्रोगेटिव में, तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो जस्ट हु वोट, WH वोट्स के बाद आता है, लेकिन हम ऐसे भी उसका इस्तेमाल करते हैं। वोट दिस इज मेड ऑफ, वोट इज, तो यहाँ पर देखें यहाँ पे भी चेंजेस हैं। यू लाइक कॉफ़ी, इजंट इट, इजंट इट का भी हम इस्तेमाल कर देते हैं, जबकि क्वेश्चन टैग में डोंट यू होता है, क्योंकि यह जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दे आर लेट, इजंट इट, यहाँ पे देखिए इजंट इट, हम वैसे जब भी आप देखेंगे कभी कभी बोलने में भी इजंट इट का ही इस्तेमाल होता है, चाहे कोई भी यहाँ पे सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो। ओके, तो यह जो है चेंजेस हमने अडॉप्ट किया है। नसीम एजिकल, अ फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, हैज गिवन अस अ सैटराइज्ड वर्जन ऑफ इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, इन द पोएम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS। नसीम एजिकल जो एक भारतीय राइटर हैं, ओके, उन्होंने जो है अपनी पोइट्री में इंग्लिश के इस सैटराइज यानी व्यंग रूप को जो है, इंडियन इंग्लिश के व्यंग रूप को उन्होंने अपने पोएम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS में लिखा है। तो वो पोएम यहाँ पे दी हुई है, ये पोएम हम देख लेते हैं। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा, फ्रेंड्स आवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग, यहाँ देखिए डिपार्टिंग का इस्तेमाल है इज के साथ, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जबकि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वह सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इस्तेमाल होते हैं, जिसमें यह डिपार्टिंग आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें आप आर मीटिंग आप, और यहाँ पे देखें नोइंग, उसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, ओके शी इज फीलिंग, ओके इज कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली, ओके इज कमिंग फ्रॉम, कमिंग ऑफ होता है, कम ऑफ,
ओके रिनाउंड एडवोकेट, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये यहाँ पे जो इस्तेमाल होंगे ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे। इस पोएम में ये सेटराइज किया गया है कि इंडियन इंग्लिश जो है पूरी तरह से कैसे इंडियन इंग्लिश इस्तेमाल हो रहा है। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी एस, अलविदा पार्टी दी जा रही है मिस पुष्पा को। ओके फ्रेंड्स आवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 डेज एंड वी आर मीटिंग टूडे टू विश हर मोन वॉयस, दोस्तों हमारी प्यारी बहन जो है वह बाहर जा रही है 2 से 3 दिनों में। ओके वी आर मीटिंग टूडे, और हम लोग जो है यहाँ मिल रहे हैं उस उसकी यात्रा की शुभ कामना के लिए। ओके ताकि हम उसे विश करें, उसे कामना दें। आप सब जानते हैं दोस्त, यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा, पुष्पा के अंदर जो मिठास है, मेरा मतलब सिर्फ बाहरी मिठास से नहीं है, उसके अंदर जो है इंटरनल अंदरूनी मिठास भी है। और मिस पुष्पा जो है वह हंसती है और हंसती रहती है बिना किसी रीजन के, क्योंकि वह ऐसा महसूस करती है। मिस पुष्पा जो है वह बड़े घर से आती है, ओके यानी बड़े फैमिली से आती है, उच्च फैमिली से आती है। उसके फादर जो हैं वह एक एडवोकेट हैं, नामी वकील हैं बल्सर या सूरत में, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, मुझे याद नहीं है किस प्लेस से। तो यहाँ पर जो वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए डिपार्टिंग वर्ड, उसके अलावा यहाँ पे मीटिंग वर्ड्स, यहाँ पे नोइंग वर्ड्स, ओके यहाँ पे स्माइलिंग वर्ड्स देखें, यहाँ पे कमिंग फ्रॉम वर्ड्स को आप देखें, ओके यहाँ पे रिमेम्बरिंग, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ब के फॉर्म जो हैं यह इस्तेमाल होने चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन यहाँ पे जो इस्तेमाल हुए हैं, ओके यहाँ हर जगह प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जो कि यह गलत ग्रामेटिकल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यह सैटरिकल है, यह एक तरह से व्यंग दिया गया है कि इंडियन इंग्लिश में जो है ऐसे जो है होते रहते हैं और ऐसा किया जा सकता है। ओके क्योंकि इंग्लिश की भी एक अपनी वेराइटी है। हमने अब इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया, अब नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आपको अभी भी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिखकर पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ओके अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।